मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ एमडी निजामुद्दीन, ब्राइट फ्यूचर ट्यूटर क्लासेज में आपका स्वागत है आप सभी लोगों का। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज CDP का फर्स्ट क्लास है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, जिसका सीटेट का जो काफ़ी कठिन विषय माना जाता है। खासकर इसका एग्जाम आपको सीटेट का इस बार 2020 में 5 जुलाई को होने वाला है, और 5 जुलाई को होने वाला है। बाल विकास शिक्षण शास्त्र का जो सिलेबस है उसके अनुसार हम पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि सिलेबस के अनुसार यूनिट फर्स्ट में बाल विकास आता है, जिसके अंदर में उप इकाई है बहुत सारे। इसका पहला उप इकाई मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इसका नाम है विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट रिलेशनशिप विथ लर्निंग। जैसे कि विकास की अवधारणा है, सबसे पहले विकास की अवधारणा को हम यहाँ पर रिलेट करेंगे कि क्या होता है विकास की अवधारणा। सबसे पहले समझो कि अवधारणा क्या होता है। किसी भी विषय वस्तु के बारे में जो सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, उसके प्रति जो अपना ठाट देते हैं, जो अपना निष्कर्ष हम देते हैं, मेन निष्कर्ष, वही हमारा अवधारणा होता है। जैसे कि अब जैसे कि विकास, किसी व्यक्ति या बालक में विकास परिवर्तनशील होता है, विकास हमेशा बदलते रहता है, चाहे वो समाज सापेक्ष हो या शारीरिक रूप से हो या आयु अनुसार हो या उम्र अवस्था अनुसार हो, यह जो है बदलता रहता है। उसके बाद है अगला पॉइंट है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है जीवन पर्यंत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक आप जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यह कभी रुकती नहीं है, निरंतर चलती रहती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, विकास व्यक्ति के मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है। तो यहाँ पर मानसिक आ जाता है, मानसिक में आपको आ जाता है जैसे कि किसी का भी मानसिक आयु 5 वर्ष के बच्चा का, जैसे कोई बच्चा 5 साल का और वह 10 साल के बच्चे का सवाल बना लेता है, और 10 साल का बच्चा जो है वो 5 साल के बच्चे का सवाल हल नहीं कर पाता गणित का। तो यहाँ पर मानसिक आयु जो है दोनों का डिफरेंट है कि नहीं, भले दोनों का 5 साल का बच्चा वो 10 साल के बच्चे का सवाल हल कर लेता है मैथ का, लेकिन वही 10 साल का बच्चा 5 साल के बच्चे का सवाल हल नहीं कर पाता, यहाँ पर उसका मानसिक आयु दर्शाता है। उसके बाद सामाजिक विकास जो है, सामाजिक सदस्य जो है, बच्चा जो समाज में या कोई व्यक्ति समाज में रहता है तो समाज में जो दिखता है, समझता है, उसके अनुसार अपने आप को आत्मसात करता है। तो उसके बाद संवेगात्मक आता है, संवेगात्मक विकास आपका होता है, जैसे कि अपने भावनाओं को व्यक्त करना, अपने संवेग को कैसे हम व्यक्त करते हैं, जैसे कि भय, घृणा, स्नेह, ईर्ष्या और क्या कहते हैं शर्मीलापन, आक्रामकता, ये सब हमारा एक संवेगात्मक विकास है जो जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। उसके बाद शारीरिक परिवर्तन में आपका आता है विकास में कद काठी अनुपात, शरीर का आकार, ठीक है, ये सब शारीरिक परिवर्तन में आता है। जैसे कि कार्य कुशलता, किसी भी कार्य को करने में जब हम निपुणता प्राप्त कर लेते हैं तो उसमें आपको कार्य कुशलता होता है। उसके बाद कार्य क्षमता, किसी भी कार्य करने में जो आपको क्षमता है उसको हम कार्य क्षमता कहेंगे। और दूसरा है व्यक्ति का स्वभाव में परिवर्तन, ये अवस्था और आयु के अनुसार बदलता रहता है, स्वभाव में परिवर्तन होता रहता है समय सापेक्ष। उसके बाद लास्ट पॉइंट है विकास बालक में विशिष्ट योग्यताएं तथा विशिष्ट विशेषताएं को दिखाता है। विकास जो है जो इसका योग्यता है, किसी भी व्यक्ति का विशिष्ट योग्यता जिसमें वो पूर्ण निपुणता प्राप्त कर लेता है, उसको योग्यता भी दिखाता है और उसका गुण को भी वो दिखलाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि विकास की अवधारणा को हमने एक्सप्लेन किया, उसके बाद रह गया विकास की अवधारणा का अधिगम के साथ संबंध। तो विकास की अवधारणा का मतलब अधिगम का संबंध है, मतलब कि विकास के सीखना, अधिगम मतलब होता है सीखना, तो विकास किस तरह से सीखने से जुड़ा हुआ है। तो अधिगम के साथ सीखने से मतलब कि सीखना क्या होता है, अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो सीखना क्या है, सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। व्यक्ति जैसे जैसे या बच्चा या व्यक्ति कोई जैसे जैसे विकास, जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता है, मानसिक आयु बढ़ती है, अपने समाज, शारीरिक सापेक्षित
समाज के सापेक्ष जैसे जैसे उसका आयु बढ़ता है, विकास करता है, वैसे वैसे उसका सीखने की प्रक्रिया बढ़ती जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट है, सीखने के कई प्रकार हैं, ज्ञानात्मक, गामक, संवेगात्मक। ज्ञानात्मक है आपको जैसे कि वातावरण में जो आदमी समाज में रहता है तो उस समाज में विभिन्न प्रकार की चुनौतियां आती है उसके सामने, उसके समक्ष वह किस तरह से खड़ा रह पाता, किस तरह से उसका ऑब्जर्व कर पाता है ना, उस समस्या से किस तरह से चुनौती से निकल पाता है, इसके बारे में दिया गया है। उसके बाद है गामक है आपको, यह आपको शैशव अवस्था में खासकर जो सीखने का अवस्था होता है उसमें कैसे सीखता है, अनुकरण करके सीखता है ना, उसके बारे में दिया गया। उसके बाद है संवेगात्मक, जो जन्म के बाद से स्टार्ट हो जाता है, संवेगात्मक आपको अधिगम होता है, जैसे कि अनुकरण करके भाषा सीखना है ना, चलना कूदना फुदकना, ये सब जो है हंसना रोना, ये सब क्या है संवेगात्मक में आ जाता है, अधिगम में सीखना, ठीक है, क्रोध करना, ये सब संवेगात्मक आता है। उसके बाद सीखने के दौरान हम ज्ञान को अर्जित करते हैं तथा व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। जब भी हम सीखते हैं किसी भी चीज़ के बारे में तो हमारा विकास होता है, इसके तहत हम ज्ञान अर्जित करते हैं और अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाते हैं। उसके बाद है अगला पॉइंट है, जन्म के तुरंत बाद बालक सीखना आरंभ कर देता है अपने परिवार में से, वह खासकर जन्म के तुरंत बाद ऐसा परिवार में देखता है, वैसा समझता है और वैसा ही सोचता है और उसी के अनुसार वह अनुकरण करता है। अगला पॉइंट है, सीखने के दौरान बालक या व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। जब तक कोई व्यक्ति या बालक सीखेगा नहीं उसका विकास चौतरफा नहीं होगा, उसके लिए उसको चारों तरफ का विकास करने के लिए उसको हर चीज़ को सीखना आवश्यक है। उसके बाद है, सीखने का संबंध विकास के आवश्यकता अनुसार, विकास का जो अवस्था है जो जन्म के बाद ही शुरू होता है उसमें बच्चा कैसे सीखता है उसके बारे में हम बताएंगे। पहला अवस्था है उसका सीखने का शैशव अवस्था, जो कि 0 से 3 वर्ष का होता है, इसे भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था माना जाता है, इसे भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था माना जाता है, ठीक है। इसमें भाषा जो है अनुकरण करके सीखता है बच्चा, देख कर सीखता है, सुनकर सीखता है ना। उसके बाद अगला है बाल्यावस्था से, यह आपको वैसे 3 से 12 वर्ष का होता है, इसमें सीखने की गति मंद हो जाती है, खासकर 6 से 9 वर्ष के बीच में सीखने की गति मंद हो जाती है, खासकर 6 वर्ष से 9 वर्ष के बीच में। उसके बाद है किशोर अवस्था, ये आपको 12 से 18 के वर्ष बीच होता है, सीखने का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, तर्क शक्ति सोचने का क्षमता अधिक हो जाती है, ठीक है, वो अपने भविष्य की ओर चिंतित हो जाता है, खासकर किशोरावस्था में। तो ऐसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा कि आज हमने CDP का फर्स्ट क्लास जो है विकास की अवधारणा एंड ऑडिकल से संबंध जो है आज आप लोगों को मैंने रिलेट किया। जो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि और भी हम आगे वीडियो बनाए, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्या कहते हैं कि आगे हम वीडियो बनाते रहेंगे, जैसे कि आपको चैनल से वीडियो मिलता रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो वीडियो आपको मिलता रहेगा आगे भी, जो भी हम वीडियो बनाएंगे तो, ठीक है। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।